कलर और डाई चैप्टर वन और चैप्टर टू का हम लोगों ने सारे सीक्रेट्स पार कर दिए थे, तो आज भाई ये फाइनल चैप्टर चैप्टर थ्री की बारी है। ये देखो मॉन्स्टर को बल्ब लटका के घूमता है, ये लो अभी हम लोग जाएंगे और चैप्टर थ्री के सारे सीक्रेट रूम सब कुछ देखने वाले हैं। फिर उसी से ही हमें चैप्टर फोर का हिंट मिलेगा, यार ये बहुत जरूरी है और ये वाला चैप्टर काफी अमेजिंग है भाई, यहाँ पर काफी कुछ है। ये देखो पहले तो पेंट मर गया और भाई आते ही मॉन्स्टर ने मारा मेरे को। रुको अब तो मैं छोड़ेगा नहीं। आजा इधर नहीं आ। इसकी स्पीड, ओ इसकी स्पीड भी फास्ट है यार, चैप्टर टू वाले की तरह ही। ये देखो। ठीक है अभी देखो मैं इसको सबक सिखाती हूँ गाइस। और आज ये हमारी आखिरी एपिसोड हो सकती है जब तक चैप्टर फोर नहीं आता तब तक, क्योंकि हम लोगों ने सभी कुछ चीजें एक्सप्लोर कर लिया और यहाँ पे सीक्रेट रूम मेरे को मिल गया। और ये 100 का है, अच्छा तो यहाँ पर, और ये देखो भाई सब्सक्राइबर साथ में आ गए, लेट्स गो गाइस। यस सब्सक्राइब करके रखो, लेट्स गो, थैंक यू। चलो आओ हमें अभी पार करना है भाई यहाँ पे रेड। ये देखो अरे लेकिन मेरे को यहाँ पे रेड रूम दिखा, ये रहा रेड रूम, इसको खोलो। चलो अंदर में यहाँ पे मिला ऑरेंज कलर, मेरे को फटाफट से 100 लाना। पहला टूल हमें 100 ही मिलता है क्या? आई थिंक ओए 100 ही मिलेगा आई थिंक। तो अभी हमें 100 निकालने के लिए पहले ऑरेंज डोर खोलना पड़ेगा और हमें बार बार ध्यान रखना है कि ये सारे वॉल्स ऑन रहे, क्योंकि जब भी मैं जाऊँ, एक मिनट ऑरेंज डोर शायद वहीं पर ही था। यप हमें वो पुल पार करना पड़ेगा तब हमें ऑरेंज कलर मिलेगा जहां तक मेरे को याद है। तो चलो यहाँ पर चलते, ये रहा एक और सीक्रेट का, ये गन से खुलेगा। मेरे को सारे याद ही हो रहा है भाई, सारा याद हो रहा है, ये यहीं पर ही है। ठीक है अभी यहाँ पर पेंट ब्रश नहीं पड़ेगा कोई। ये यहाँ पर ब्रिज आ गया जो कि एक्टिवेटेड है, लेट्स गो। यहाँ से निकले, यहाँ पर चाबी का, यहाँ पर 100 का और यहाँ पर ऊपर जाने का। अच्छा यहाँ पे ऑरेंज नहीं है, ओ ऑरेंज का दूसरा था क्या? गाइस मैं ऑरेंज डोर ढूंढने निकला लेकिन सारे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ आ गए है। चलो आ जाओ, लेट्स गो, हम लोग साथ में जाएंगे। ये रहा ऑरेंज, मेरे को इतने सारे पेंट ब्रश भी मिल गए हैं। और ये येलो कलर, और येलो कलर वाले के अंदर में आई थिंक 100 मिलता था, अभी पता चल जाएगा। येलो डोर मैंने रास्ते में देखा था। और फाइनली गाइस यहाँ पर ये देखो मेरे को येलो का एरिया मिल गया और इसके अंदर में है इल्यूजन, और इल्यूजन पार करने पे हमें अपना पहला टूल मिल जाएगा जिससे हम लोग अपना पहला सीक्रेट रूम में जाएंगे। इधर नहीं उस तरफ जाना है, लेट्स गो, आ जाओ यहाँ से, इसको पार कर लिया और ये मिल गया 100। और 100 का सीक्रेट रूम हमें अच्छे से याद है कि कहां पर था, स्टार्टिंग एरिया में था। तो चलो सेफ जोन की ओर भागो भाई। ओ माय गॉड मॉन्स्टर आ गया। चलो गाइस सब्सक्राइबर्स के साथ चलना है, सबको सेफ रखना है, राइट। ओ माय गॉड मॉन्स्टर आ गया है, वापस आओ। ओके अभी मॉन्स्टर उस तरफ गया है, लेट्स गो। सेफ जोन पे जाना है, मैं रास्ते में देखता भी जा रहा हूँ कहीं पे सीक्रेट रूम का दरवाजा दिखता है तो। अभी वो वॉल्व मैं ऑन नहीं करूंगा, अभी मेरे को सीधा जाना है स्ट्रेट। ये रहा हमारा पहला, चलो यहाँ पर वॉल्व ऑन कर देते हैं। और ये रहा सीक्रेट रूम, इसको खोलो तो अंदर में ओ माय गॉड कैसी आवाज होती है भाई। और ये यहाँ पर ये क्या है, किसी वुड कटर का घर है। ओके लेट्स गो, यहाँ पर बेड रखा हुआ है, चेयर है, यहाँ पर टेबल है, ठीक है कुछ खास नहीं है, ये पेड़ काटा हुआ है, वुड कटर का ही घर है ये। इसके घर के ऊपर चढ़ जाओ, यहाँ पर कुछ ईस्टर रह गए, यहाँ पीछे में भी हम लोग जा सकते हैं बस इतना ही। ठीक है यहाँ पर अगर हम लोग पेड़ काट दे तो नहीं, अच्छा हम लोग को ये 100 मिला ना जिससे हम लोग आयरन काटते हैं, तो यहाँ पर वुड कटर का ही घर दे दिया क्योंकि हम लोग इससे वुड भी काट सकते हैं करते हुए। गाइस ये तुम लोग को रूम कैसा लगा, इसको तुम लोग आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे फटाफट से कमेंट बताओ। मैं इसको कुछ खास रेट नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल सा, और यहाँ पे कुछ भी हमें नया इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, तो मैं इसको 6 रेट करूंगा 10 में से। तुम लोग अपना रेटिंग बताना। अभी चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मॉन्स्टर यहीं आ गया है यार। अभी गाइस हमें ये 100 लेके ना उस ब्रिज पे जाना है, उस ब्रिज में हम लोग को काटना है। अभी हमारे पास कोई कलर भी नहीं है तो हमें बहुत ध्यान से रहना होगा। मॉन्स्टर आ गया और भाई आज
जा टाइम पे बच गया तू भी। चलो 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 चलो, मॉन्स्टर गया तो हम लोग भी भगते हैं यहाँ पे। ये मेरे को पता ही था ये बंद होगा, मैंने जितना ऑन किया बस उतना ही ऑन रहता है, हमेशा सारे वॉल्व को मेरे को ही जाके ऑन करना पड़ता है। ये देखो मॉन्स्टर, हाय मॉन्स्टर, ये देख दिख रहा है इसके पैरों के निशान देखो यार, कलरफुल होते हैं, रेड पर्पल ब्लू। ओके ओके, और अभी भी वो रेड ही है भाई। वॉल्व ऑन करो यार। ओके गाइस, मैंने सारे वॉल्व ऑन कर दिए हैं और इसी के साथ हम लोग ब्रिज से आगे बढ़ते हैं। ये वाला गेट को खोलते हैं और इसके अंदर में अभी कौन सा कलर मिलेगा, ग्रीन। ओके, और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पेंट ब्रश नहीं है, तो निकलते हैं। ग्रीन डोर मेरे को मिला था, लेट्स गो, आ जाओ सब लोग साथ में जाएंगे। ये देखो मॉन्स्टर को, मॉन्स्टर को देखो, ग्रीन कलर यहीं पर था पीछे की तरफ, और ये ग्रीन कलर भी मुझे दिख गया है। इसे खोलो और फायर ब्रिगेड वाला फायर एक्सटिंग्यूशर मिला है, और इसका सीक्रेट डोर अभी तक मेरे को दिखा तो नहीं है, ढूंढ लेंगे। मैं तो तुम लोग के लिए इतना टाइम लगा के ढूंढता हूँ, तुम लोग एक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो। देखो सारे सब्सक्राइबर्स के साथ में खेलता हूँ, फटाफट से सब्सक्राइब करो यार। अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा, एक एक देखता हूँ मैं, ऐसे ऐसे चल के भी देखता रहता हूँ कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एक दो तो मेरे को पहले ही दिख गया था, इल्यूजन वाले में तो नहीं था। अच्छा अंदर में चेक कर लेते हैं, कभी कभी होता है। ये है क्या बात है यार, क्या बात है गाइस, ये देखो, लेट्स गो। ये नया कैरेक्टर और इसका नाम है ब्रास मंकी, इसको हम लोग क्लेम कर लेते हैं। और ये है कंप्यूटर रूम। ओके, यहाँ पर इतने सारे कंप्यूटर, ऑफिस रूम है ये। अच्छा, और बीच में पार्टीशन लगाया हुआ है इतना सारा, यहाँ पर सब लोग मिलके काम करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। यस, ये देखो यहाँ पर टेलीफोन भी पड़ा है, यहाँ पर गमला पड़ा है, यहाँ पर ये पुराने स्टाइल का टेलीफोन, यहाँ पे पेन वैन पड़े हैं, कितने सारे कंप्यूटर है, 1 2 3 4, वहाँ पे 5 6, और यहाँ पे 7 8। ओके, 8 कंप्यूटर्स, सब पे पार्टीशन, अच्छा लगा। लेकिन फायर एक्सटिंग्यूशर से कंप्यूटर रूम का क्या लेना देना वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये रूम ठीक लगा, एटलीस्ट लास्ट वाले से तो बेटर है, तो इसको मैं रेट करना चाहूंगा 7 10 में से। तुम लोग इस रूम को कितना रेट करोगे? फटाफट मिल गया, अभी और भी बाकी भी फटाफट मिल जाएगा। चलो आ जाओ, लेट्स गो। यहाँ से फायर एक्सटिंग्यूशर का मेरे को याद है आग वाला कहीं बीच में ही था। ओ, ऊपर से हम पेंट ब्रश ले आए थे क्या? चलो चल के देखते हैं। यहाँ पर इस रास्ते में पेंट ब्रश, ये रहा 10th पेंट ब्रश हो गया हमारा। और यहाँ से नीचे कूदो, और रास्ते में अब चलते हुए देखेंगे कहीं पे सीक्रेट डोर और भी है क्या। और हम लोग सारे सब्सक्राइबर्स के साथ आग वाला रूम भी ढूंढ लिए हैं, और इसमें हमें मिल गया टील कलर, और टील कलर इल्यूजन वाले रूम में था। ओके, इल्यूजन वाला रूम इसके अंदर में था क्या? यहीं पर ही था, इसी साइड। ये रहा इल्यूजन वाला रूम, इसके अंदर चलो। फिर यहाँ पर अभी हमें टील कलर का यूज करना है, फटाफट से चलो, लेट्स गो गाइस। ये खोला और अंदर में अभी नेक्स्ट टूल हमें मिल गया है ऊपर चढ़ने वाला। ठीक है भाई, ये मिल तो गया है, लेकिन मॉन्स्टर भी यही है। ये इसका सीक्रेट रूम मेरे को अभी तक दिखा तो कहीं भी नहीं है, यहाँ पर भी कहीं नहीं है, यहाँ भी वॉल पे कहीं नहीं है, यहाँ भी कहीं नहीं है। मॉन्स्टर मेरे जस्ट पीछे है, मैं फंस गया हूँ भाई, बहुत बुरा। यहाँ पर भी कोई वॉल में दिख तो नहीं रहा यार। ये है, ये किसका है? ये इसी का है क्या? ओके, ये इसी का ही है। यहाँ पर ये देखो, रस्सी लगा दी और ऊपर चढ़ जाओ, इसको वापस उठा लो। और यहाँ पर ये कौन सा रूम है? ये तो एक पेट रूम लग रहा है मेरे को। ये देखो यहाँ पे पेट के खाने पड़े हैं, ये बिल्ली का, ये डॉगी का, और यहाँ पर थोड़े बहुत फर्नीचर पड़े हैं, ये डॉगी वॉगी के खेलने की चीजें होंगी, और इसके अंदर में डॉगी रहता है। ये देखो डॉगी के पैरों के निशान। अच्छा, ये वही डॉगी है क्या चैप्टर 2 वाला? हो सकता है वो यहाँ पे घुस जाता होगा। और यहाँ पर मछली, अच्छा ये काउंटर भी है, शॉप है। ओके, और यहाँ पर ये देखो ये क्या बनाया हुआ है, 6 मछली 6 हड्डी, और यहाँ पे ये क्या चीज है, इसका कोई सीक्रेट मीनिंग है क्या गाइस? तुम लोग को लगता है? मेरे को ये रूम काफी ठीक लगा है, इसको भी मैं 7 ही रेट करूंगा 10 में से। तुम लोग कितना रेट करोगे? काफी मस्त है, इसके अंदर तो हम लोग घुस नहीं पा रहे, नहीं तो उस बिल्ली से मिल जाता। ओए
अंदर आने दे मेरे को। नहीं 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 घुस पा रहा। ठीक है भाई चलो यहाँ से नीचे चलते हैं, लेट्स गो। अभी मेरे को इसको ब्रिज वाले पे लेके जाना है। मॉन्स्टर मेरे एकदम पीछे आ रहा है तो मेरे को मॉन्स्टर को भी चकमा देना है, नहीं तो मेरा चकमा हो जाएगा। अभी वो देखो वो मेरा ही पीछा कर रहा है कंटिन्यू। और मॉन्स्टर को चकमा देते हुए हम लोग यहाँ ब्रिज के पास पहुंच गए, जो कि ऑब्वियसली रेड ही मिलेगा। मेरे को तो रेड ही मिलता है भाई। अरे 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 मॉन्स्टर भी मेरे साथ आ गया भाई प्यार दिखाने के लिए। ये लो भाई चकमा तुमको ऐसे ही दे देंगे। अभी सारे के सारे वॉल्स फिर से मेरे को ही ऑन करने पड़ेंगे। और फाइनली गाइस एक 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 ब्रिज ऑन करके, वॉल्स ऑन करके यहाँ मतलब ब्रिज को एक्टिवेट कर दिया है हम लोगों ने। और यहाँ पर अंदर में ये रस्सी लगेगी, ये लगा दी, चढ़ जाओ भाई ऊपर में, लेट्स गो। और अभी मेरे को मिल गया है ब्लू कलर। ब्लू कलर का गेट तो मेरे को दिखा तो नहीं था लेकिन अभी दिख जाएगा। मेरे को जहाँ तक याद है वो किसी गेट वेट के अंदर में था, यहाँ पर था क्या, कहीं पर था। ओ ये रहे, क्यों टाइम पे मिला है बॉय, याद है मेरे को पिछली बार भी ऐसा ही कारनामा हुआ था। ये ब्लू खुल गया और यहाँ पे पर्पल तो मेरे को याद है पीछे की तरफ है। चलो 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 पर्पल कलर स्टेयर्स के पास में था और ये रहा स्टेयर्स के पास में पर्पल। इसके अंदर में अभी यहाँ पर भी ये देखो चाबी का सीक्रेट डोर, अंदर में कुछ गजब की चीज है, देखना है। चाबी मिलने में टाइम है, अभी हम लोग यहाँ इल्यूजन में चलते हैं। और ये बोट वाला इल्यूजन, यहाँ से इसको फटाफट से पार कर लेते हैं। और इसको पार करने के साथ नया टूल मिल गया, ये वाला गन, और इसका भी सीक्रेट डोर देखना है। चाबी वाला तो याद रखना। और अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गाइस मेरे को कम से कम 20-25 मिनट हो गया घूमते हुए, मिल तो नहीं रहा। यहाँ पर हम लोगों को वो वाला मिला था और भी है तो देखे, ये कौन सा गेट मिला है इस बार। यस यहीं पर तो था, ये मिल गया। ओके ये अच्छा जंप स्केयर था। और ये है स्प्लिटर, इसको भी क्लेम कर लेते हैं। और ये वाला रूम तुम लोग देखो, ये गार्डन एरिया है। अच्छा यहाँ पे गार्डनिंग होती है, क्या बात है, इतने सारे गमले, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को ये रूम। यहाँ पे काफी अच्छा एनवायरमेंट है, यहाँ पे फाउंटेन है, लेकिन अगर ये ऑन होता ना ये फाउंटेन तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है ओके ये भी काफी सही है, वैसे तो छोटा सा रूम है और यहाँ पे कुछ स्पेशल मैसेज भी नहीं है और साइड में से कोई ड्रॉइंग्स भी नहीं है की, जैसे हम लोगों को लास्ट चैप्टर्स में मिला था। इसकी ग्रीनरी की वजह से मैं इसको 10 में से 8 रेट करूंगा। तुम लोग इसको कितना रेट करना चाहोगे फटाफट से कमेंट में बताना। चलो भाई अभी हम लोग इसको पार करते हैं। ये वाला गन का हमें बीच में कहीं पे मिलता है। मॉन्स्टर से बचते हुए रहना है क्योंकि मेरे पास कलर नहीं है। वैसे ये जो आई लव बिल लिखा हुआ है ना, मेरे ख्याल से ये मॉन्स्टर का नाम बिल हो सकता है, तभी हम लोग को यहाँ पे आई लव बिल का दिया है। ये यही कहीं पे ना, इसी ऐसे जो स्मॉल होल है ना, इसी में ही जाके हमें कहीं ना कहीं इसका गन वाला मिलेगा, वो गेट। गाइस यहीं कहीं पे ही था इसका, ये पीछे से आके हम लोगों को ये रहा, यहाँ पर मिल गया, लेट्स गो। इसके अंदर में हमें मिल गया है पिंक कलर, ये देखो, लेट्स गो। अभी पिंक वाला दरवाजा, पिंक दरवाजा यहीं कहीं ये रहा, लेट्स गो। यहाँ पर मिल गया चाबी, और अभी चाबी का गेट वो कौन से वाले में था, इल्यूजन वाले सीक्रेट रूम के वहां पर था, यहाँ पर था ना, यहीं पर था क्या, नहीं ये तो दूसरा था, वो वाला दूसरे गेट में था, ये वाला यहाँ नहीं था लेकिन आसपास ही था, फिर यहीं पर ही था, मेरे को याद है इसी में होगा शायद। ये रहा, ये देखो ये भी इल्यूजन रूम ही है। यहाँ पर हमें अपना नेक्स्ट सीक्रेट रूम मिल गया और यहाँ पर भी कोई आवाज आई अजीब सी, और ये तो कंप्यूटर रूम है, डाटा सेंटर है ये देखो, यहाँ पर सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, लगता है इस गेम का सर्वर है क्या ये। ओके ये देखो यहाँ पे सारे डाटा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पर राउटर पड़ा है, यहाँ पर ये सब ट्यूब व्यूब, ओए मैं ट्यूब में फंस गया हूँ। ओके अब मैं निकलूंगा कैसे, ये नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पर इतना सारा डाटा सेंटर, वैसे रियल लाइफ में डाटा सेंटर देखने का बहुत मन है, फेसबुक गूगल का सोचो कितना बड़ा डाटा सेंटर होता होगा। तो यहाँ पर ये सभी चीज बनाई हुई है, लेकिन हमें मॉन्स्टर रिलेटेड यहाँ पर इसमें भी नहीं दिखा। इस
रूम को तुम लोग कितना रेट करना चाहोगे? मेरे को ये रूम काफी पसंद आया, सबसे बेस्ट लगा है, तो मैं इसको 8.5 रेट करूंगा। ओके, तुम लोग फटाफट से कितना रेट करना चाहोगे कमेंट में बताओ। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और अब इतना कर ही लिए है तो बस हमें अभी ब्रिज में जाना है, वहां से पेंट ब्रश उठाना है और लास्ट का, इसमें लास्ट में जो पजल आता है ना वो हर बार चेंज होता है, हर बार अलग मिलता है, तो वो करने में बहुत मजा आता है, तो चलो वो वाला करेंगे। कई कई बार इतना टफ लास्ट का पजल आ जाता है जो एकदम फाइनल पजल होता है कि उसको कर ही नहीं पाते। और ये चाबी का ताला यहाँ पर है और ये ग्रीन, भाई कैसे ग्रीन मिल गया मेरे को इस बार? ओके, लगता है टाइम रीसेट हो गया होगा और इसको ऑन कर देते हैं, मतलब चाबी का ताला खोल देते हैं। लास्ट पेंट ब्रश मिल गया, लेट्स गो 16x16। तो अभी वो फाइनल डोर खुल गया होगा, वो राइट के एकदम एंड में है, तो हम लोग को बहुत ही ध्यान से जाना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मॉन्स्टर आ रहा है मेरे पीछे है। ओके, मॉन्स्टर भी मेरे पास आ रहा है और ये गेट ओपन हो गया। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से अंदर जाने पे वो रहा व्हाइट पेंट ब्रश, ये ऊपर से वॉल नीचे गिर रही है, मेरे को जल्दी से जल्दी करना होगा। ये देखो वॉल मेरे सर पे भिड़ा तो मैं गया फिर। ओ निकल लो। ओके, अभी व्हाइट कलर लेके सेफ जोन पे जाना है। मैं एकदम ध्यान से कान खोल के सुन रहा हूँ कि मॉन्स्टर किधर में, ब्रिज आ गया तो सेफ जोन यहीं पर ही होना चाहिए, ये इधर में नहीं है तो इसके आगे होगा। यहाँ से गए तो ये रहा सेफ जोन, इससे यहाँ से बाहर आ गए, ये रहा व्हाइट, लेट्स गो। और अभी हमें डोर सिलेक्ट करना है, अभी पता नहीं कौन सा पजल मिलेगा, पार होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। ओ कलर वाला ओके देखते हैं क्या होगा, एंड लेट्स गो। ये अच्छा, ये वही है जो हम लोगों ने किया था, ये तो मैं इजीली कर दूंगा, बस किस्मत साथ देनी चाहिए थोड़ा। कौन सा कलर ओके ऑरेंज जाने वाला है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर काफी सारे कलर है तो यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन के लिए काफी कुछ रहेगा। ये जा रहा है इस बार पिंक तो चले गए, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर भी है, तो अभी येलो ग्रीन ऑरेंज और ब्लू, ये चारों कलर मेरे पास में ही है। ब्लू जा रहा है और अब तीन कलर बचा है, तीनों मेरे पास में है, तो मैं सर्वाइव कर तो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके ऑरेंज आ रहा है तो अभी ग्रीन और येलो, लेट्स गो। दोनों में से कौन सा जाएगा? मेरे ख्याल से ग्रीन जाएगा, ओ नहीं येलो जाएगा। ओके एंड हम लोग ग्रीन के ऊपर खड़े हैं और इसी के साथ यस वी एस्केप प्लस रिवेंस, लेट्स गो गाइस। आज भी हम लोगों ने सारे सीक्रेट रूम्स देखे, हम लोगों ने कलर और डाई पूरा फिनिश कर दिया। अब चैप्टर 4 जब आएगा सबसे पहले हम लोग वीडियो डालेंगे और लास्ट वीडियोस तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहे हो, उसे जाके एंजॉय करो, तब तक हमारी न्यू वीडियो आ जाएगी। तो चलो हम लोग मिलते हैं इन वीडियोस में, टिल देन बाय बाय।